हेलो एवरीवन, स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर ज्यादातर ब्रेकआउट स्टॉक और इन्वेस्टमेंट स्टॉक लेके आते हैं, तो हर रोज की तरह आज दो ब्रेकआउट स्टॉक है। उन स्टॉक पे चर्चा करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर जो चीज़ हम लोग लर्निंग के लिए बताएंगे किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। तो अगर आपको लर्निंग सीखनी है, बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन चाहिए, तो आपको बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी तो आपकी लर्निंग मिस नहीं होगी, लर्निंग मिस नहीं होगी तो आपकी अर्निंग भी मिस नहीं होगी। तो चलिए देखिए, आज दो स्टॉक की चर्चा करने से पहले थोड़े से कुछ रूल मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, तो आपको 2, 4, 5 जो है रूल है वो आपको ऑलवेज फॉलो करने हैं। उस रूल को फॉलो करोगे तो आप काफ़ी अच्छा काम करोगे स्टॉक मार्केट में और अच्छा यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो देखिए, रूल रेगुलेशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ 5-6 रूल है यहाँ पे, उसे रेगुलर फॉलो करना ही करना है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, सबसे पहला चाहिए आपको स्टॉक सिलेक्शन के साथ अब स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो गया, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब सेकेंड क्या होना चाहिए, सेकेंड आपके क्या होना चाहिए, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। आपकी उस स्टॉक पे एंट्री पॉइंट सही होनी चाहिए, यानी कि जब आपको एंट्री करनी है उसी टाइम पे आपको एंट्री करोगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये नहीं कि जब एग्जिट करने का टाइम है तब आप एंट्री कर रहे हो, जब एंट्री करने का टाइम है तब आप एग्जिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड, मनी मैनेजमेंट के साथ ऑलवेज रहो आप मार्केट में। हमेशा मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि आपको मनी मैनेजमेंट के साथ ऑलवेज मार्केट में रहना है, क्योंकि जब मार्केट अच्छा रिटर्न देता है तब आप मनी मैनेजमेंट भूल जाते हो। जब मार्केट में 2-4 दिन गिरावट आएगी तो आपको मनी मैनेजमेंट याद आएगी कि अगर मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया रहता तो अच्छा रहता। तो अभी क्या है, काफ़ी मैसेजेज आते हैं कि सर इतना लॉस हो रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉस तभी कर सकते हो जब आपका ओवर क्वांटिटी आकर अपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपकी कैपेसिटी 10,000 है और आपने उसमें 60-70,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्या हुआ, जब अगर मार्केट गिरेगा तो वो उसमें लॉस हैवी दिखाएगा तो आपकी फिलॉसफी काम करनी बंद हो जाएगी। आप उसमें सोचोगे इसके लॉस में काट के किसी और में डालें, उसमें भी आप वसी करोगे तो आपको क्या, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो अगर बाजार में ऐसी गिरावट आती है तो आप डिप में ऐड करोगे, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी सुधरता है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक देते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक देते हैं, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी सुधरेगा ये सबसे पहले रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। तो और चौथा क्या है, आपको क्या है, किसी भी एक दो स्टॉक में पर्टिकुलर आपको कोई भी पूरे पैसे नहीं लगाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा, पेशेंस, थोड़ा पेशेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। पेशेंस दोगे तो मार्केट आपको ऑलवेज रिवॉर्ड देगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है छठा, कोई भी सेटअप पे काम कर रहे हो आप, वो अपने को अपने सेटअप पे बिलीव रखना चाहिए कि हाँ ये सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ, इसका ये टारगेट रहेगा, टारगेट में मुझे निकलना है या कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और उस टारगेट उस सेटअप पे अगर कोई स्टॉप लॉस मिल रहा है मुझे तो मुझे वो स्टॉप लॉस भी लेना है, ये नहीं कि बैठे रहना है, स्टॉप लॉस लग रहा है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। देखिए ये तो 4-5 बेसिक चीज़ें हो गई। अभी हम लोग देते हैं यहाँ पे क्या, ब्रेकआउट स्टॉक, इन्वेस्टमेंट स्टॉक। तो कभी भी मैं बताते हूँ कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप अपने पूरे ओवरऑल मनी का 5-10% ज़्यादा ना उसमें इन्वेस्ट करें, और कभी भी एक बार में 100% क्वांटिटी कभी ना करें, 50% करें, 50% रीटेस्ट के करें अगर कोई ब्रेकआउट स्टॉक है, और 50% अगर इन्वेस्टमेंट देते हैं तो उसमें भी अगर कोई डिप मिलती है तो उसे ऐड कर सकते हैं। देखिए आज जो स्टॉक है उसका ब्रेकआउट हो चुका है, उस स्टॉक का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, 159 के आसपास इसका आज की डेट में क्लोजिंग हुई है, इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो चुका है वीकली टाइम ऑफ में। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली टाइम ऑफ में जब ये क्या कर रहा था ना, 150 के आसपास, जब 150-152 के आसपास जा रहा था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह था, नीचे की तरफ फिर ये 120 रुपये के आसपास आया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसने वीकली टाइम ऑफ फ्रेम पे 152 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देने जा रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है और आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम बनेगा। तो ये किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, ओनली लर्निंग के लिए बता रहे हैं कि इस पे ऐसा सेटअप बना है और ये यहाँ तक जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो दो लेवल दे रहे हैं आने वाले 2-3 महीनों में 180-195, ये दो लेवल काफ़ी आसानी से पॉसिबल है। सेकेंड स्टॉक है आपका बाल फार्मा, ये इसका वीकली टाइम ऑफ फ्रेम है, और देखिए इसने क्या किया ना, ये इसका पिछले 10 साल का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका पिछले 10 साल का एक चार्ट खुला हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसने अपने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टरों को कुछ भी नहीं दिया। 2016 में एक हाई लगाता है 170 रुपये के आसपास, आज की डेट में 120 रुपये के आसपास, यानी कि लगभग 8 साल के बाद भी जिन्होंने लिया है उनका पैसा भी अभी तक नहीं आया है। मगर अब की बार ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट करेगा और इसमें काफ़ी धमाकेदार इसमें लेवल आने की पूरी पूरी
संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप देख सकते हैं ये बिग टाइम ऑफ फ्रेम पे ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये ब्रेकआउट करने जा रहा है यहाँ पे देखिए। और ये क्या है, ये कि मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा के रखी है, ये मंथ की ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देखिए। अब की बार क्या कर रहा है ना, ये थोड़ा इसको वीकली को करते हैं हम लोग और मंथली में कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सेटअप मैं दिखाऊंगा। एक मैंने स्टॉक दिया था सरला पॉलीकर पॉलीमर 176 के आसपास दिया था, मात्र 3 से 4 दिनों में 102 रुपये का, 100 रुपये के आसपास उन्हें हाई लगा था। इसका सेटअप उसका सेटअप लगभग लगभग सेम है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी ये 127-128 के आसपास जा रहा है, मंथली क्लोजिंग में भी देखिएगा 127-128 के आसपास जा रहा है, यहाँ पे एक ये फेलियर हो जा रहा है, वहाँ से नीचे आ जाता है। अब की बार भी ये 127-128 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, जैसे इसकी क्लोजिंग 130 रुपये के ऊपर होगी, इसमें धमाकेदार इसमें लेवल आने वाले 2 से 3 महीनों में या उससे पहले देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट लेवल तो 145 और सेकंड लेवल 170, ये दोनों लेवल काफ़ी आसानी से आएंगे, 170 तक पॉसिबल है। और बातों को ध्यान से सुनिए, देखिए अभी हम लोग दिखा देते हैं आपको सरला पॉलीमर। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ये किसने एक शोल्डर बनाया या हेड बनाया, ये हेड बनाया, तो हेड एंड शोल्डर इसमें पैटर्न बना था बाय टाइम ऑफ फ्रेम पे। जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देखिए क्या मोमेंटम मिली, 76 का स्टॉक वन साइडेड मूव देता है 102 रुपये के आसपास। और इसका सेटअप आप देख सकते हैं सेम सेटअप है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा कर रखिए, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे ये 170 रुपये की एक मूवमेंट तक जरूर जाएगा ये स्टॉक। तो ये स्टॉक है जो आने वाले 2 से 3 महीनों या उससे पहले यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये दोनों स्टॉक किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और हम लोगों ने तीन दिन पहले एक पारस डिफेंस पे एक स्टॉक दिया था 860 रुपये का स्टॉक दिया था, और उसके कुछ लेवल दिया था 925 और 1020। आज इसने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने सेटअप पे बिलीव रखना है। थोड़ा टाइम मिलता है, डिप मिलती है, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हो और आपको रिवॉर्ड यूं ऐसे मिलेंगे। एक EID पेरी पे हम लोग बताया था 630 रुपये के आसपास बताया था कि भाई साहब इसे अपनी नज़रों में रखो। ये क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या वीक की क्लोजिंग इसकी कभी भी जब भी 630-640 के आसपास जा रही थी, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, देखिए फर्स्ट लेवल 680, सेकंड लेवल 725। आज इसने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट लेवल अचीव किया। किसी भी स्टॉक पे अगर आप एंट्री करते हो तो जब उसमें टारगेट आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, ये बात नोट डाउन करके रखे। तो ये दो स्टॉक थे। और कभी भी कोई भी स्टॉक हम लोग देते हैं तो कभी भी कोई भी स्टॉक पे ये डिस्क्लेमर देते हैं कि किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी लेना खुद का डिसीजन, नहीं तो अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल जरूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आप लेते भी हो तो कभी भी किसी भी स्टॉक पे पहली बार में 100% पैसा कभी भी नहीं लगाइए। ये सब चीज़ है लर्निंग के लिए। अगर ये सब लर्न करोगे, आप स्टॉक मार्केट में हमारे साथ बने रहोगे। इस चैनल पर जो स्टॉक लेके आते हैं, अभी देखिए मार्केट में गिरावट है, जो स्टॉक अभी रीटेस्ट में मिल रहे हैं उसे अपने ध्यान में रखो, अपनी नज़रों में रखो। मार्केट जैसे ही सुधरेगा सबसे पहले मूवमेंट वही सब स्टॉक दिखाएंगे। तो क्या है, अभी क्या है, आपको थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा उसमें, और पेशेंस रखोगे तो रिवॉर्ड आपको, देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि रिवॉर्ड यहाँ पे आपको 90-95% मिलेंगे। तो चैनल को ऐसे प्यार देते रहे, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों रिश्तेदार को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।